दोस्तों ये दोनों आदमी राजा के एक बहुत ही पुराने किले के बाहर बैठे थे और तभी इन्हें बहुत ही बड़े सांप अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। इन सांपों को देखकर ये दोनों आदमी डरकर यहाँ से भागते हैं और तभी हमें पता चलता है कि इन सांपों के ऊपर एक एक लड़की बैठी है और ये लड़की इन सांपों की मदद से इन आदमी को मारना चाहती है। दोस्तों काफी आगे भागने के बाद ये सांप अपने मुंह से आग छोड़कर इन्हें जलाने की कोशिश करते हैं, मगर ये दोनों आदमी उस आग से बच जाते हैं और बाद में ये दोनों नीचे बैठकर सांपों से छुपते हैं। दोस्तों सांपों के ऊपर बैठी ये लड़की इन आदमी को यहाँ ढूंढती है, मगर कुछ टाइम बाद एक आदमी भागकर इन सांपों का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और तभी नीचे लेटा दूसरा आदमी एक सांप के नीचे से वार करता है, मगर इस सांप को इससे कुछ नहीं होता और उसके बाद ये सांप इस आदमी को उल्टा खाने की कोशिश करता है। उसके बाद ये आदमी सांप के मुंह में भाला मारकर यहाँ से भागता है। दोस्तों तभी दूसरा सांप दूसरे आदमी के पीछे पड़ जाता है और अब ये आदमी काफी भागने के बाद सांप के ऊपर चढ़कर सांप के ऊपर बैठी लड़की से फाइट करता है और उस लड़की को फाइट में हराकर ये आदमी सांप के ऊपर से जल्दी से नीचे कूद जाता है, क्योंकि आगे जाकर ये सांप काफी गहरी खाई में नीचे गिर जाता है।